पिछले 21 फरवरी को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सभी छात्र सड़कों पर उतरे थे। उसकी वजह ये थी कि कुछ ताकतों के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद करने की साजिश रची जा रही है। वो साजिश इस तरह से रची जा रही है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में हमेशा से एक फ़ी वेवर स्टूडेंट्स को मिला करता था। असल में हमें इस लड़ाई को समझने के लिए जेनेसिस में जाना होगा कि ये लड़ाई है क्यों। जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की 1936 में फाउंडेशन रखी गई तो वो इस विज़न और इस सपने के साथ रखी गई कि जो हायर एजुकेशन है वो हम उस तबके तक पहुंचाएंगे जिनको हज़ारों हज़ारों साल से एजुकेशन से दूर रखा गया। तो इस सपने को साकार करने के लिए एक फ़ी वेवर का सिस्टम वहाँ शुरू किया गया। वो फी वेवर इस तरह हुआ करता था कि SC ST OBC समाज जिनकी इनकम 1 लाख से कम है OBCs में और 2 लाख से कम है SC ST में, उनको एक फ़ी वेवर दिया जाता था। एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे हैव टू पे ओनली अ नॉमिनल अमाउंट टू एंटर द इंस्टीट्यूट। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम होती है, तो जब उसका फंड आता था तो इंस्टीट्यूट उसको कंपनसेट कर लिया करती थी, और कुछ पैसे अगर स्कॉलरशिप के कम आए हैं तो जो हमें नॉन सैलरीड ग्रांट UGC से मिलती थी उसके थ्रू उसको पूरा कर लिया जाता था। लेकिन जब करंट गवर्नमेंट 2014 में आई तो 2015 में ये फ़ी वेवर की पॉलिसी OBC स्टूडेंट्स के लिए बंद हुई। और इस बात को हमें समझना होगा कि जब 2015 में ये पॉलिसी OBC स्टूडेंट के लिए बंद हुई तो हमारे संविधान में जो 27% का प्रोविज़न है OBC के लिए वो पूरा नहीं हुआ, और 29% से जो 2014 में 29% OBC स्टूडेंट्स हुआ करते थे TISS में, वो 2016-17 आते आते सिर्फ 17% रह गए। तो ये जो लड़ाई है ये संविधान के अफर्मेटिव एक्शंस को बचाने के लिए है। और अभी क्या हुआ, जब वो 2015 में OBC के लिए बंद की कर दी गई, लेकिन आने वाले बैचेस 2018 में वो सेम चीज़ SC और ST के लिए बंद हो गई। तो हमारी लड़ाई जो है वो इंस्टीट्यूट से इस बात की है कि हम जवाब चाहते हैं कि आप किस तरह उस तबके तक एडुकेशन पहुंचाएंगे जिसके लिए TISS की बुनियाद रखी गई थी। आप किस तरह इस बात की हमें एश्योरेंस देंगे कि जो हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं, जो संविधान में अफर्मेटिव एक्शन के लिए जो रिकमेंडेशन हैं, आप उसको किस तरह फॉलो करेंगे। ये लड़ाई दोहरी है। ये लड़ाई दोहरी इसलिए है कि हम सिर्फ इंस्टीट्यूट से न लड़ के हम एक अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हमेशा फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ता रहा है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक स्पेस हुआ करती थी जिसमें डिफरेंट इशूज़ पर हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बात करता था, उसको ख़त्म करने के लिए 2014 में जो हमको नॉन सैलरीड मेंटेनेंस ग्रांट 14 करोड़ रुपए मिलती थी वो 2017 में आके 6 करोड़ 45 लाख रुपए कर दी। तो ये हमारा सवाल है गवर्नमेंट से कि जिस इंस्टीट्यूट को NAC की ग्रेडिंग नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहती है हिंदुस्तान का, मैं आपको बताना चाहता हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज करंट रैंकिंग के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो आप किस तरह उस इंस्टीट्यूट को इतना कम फंड देकर आप चाहते हैं कि वो अपने नंबर 1 स्टेटस को हमेशा के लिए बनाए रखें। और कहीं ना कहीं जो ये लार्जर लड़ाई, जो ये TISS की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूट की है। ये तमाम इंस्टीट्यूट की इसलिए है कि ऑटोनॉमी सभी पिछले 6 दिन पहले 4 दिन पहले एक ऑटोनॉमी का एक सोशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ा है। उस ऑटोनॉमी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम ऑटोनॉमी देंगे 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को और डिफरेंट डीम यूनिवर्सिटीज़ को भी। वो एक बात इसमें बहुत हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा मैं ये बताना चाहता हूँ, वो ऑटोनॉमी सिर्फ नए कोर्सेज खोलने के लिए नहीं है, वो ऑटोनॉमी सिर्फ नए टीचर्स अपॉइंट करने के लिए नहीं है, वो ऑटोनॉमी ये चाहती है कि आप अपने फ़ंड खुद जनरेट कीजिए और ख़ुद सेल्फ फाइनेंसिंग के तर्ज पर कोर्सेज शुरू करके उनकी भरपाई कीजिए। तो मेरा सवाल है इस गवर्नमेंट से, मेरा सवाल है हमारे HRD मिनिस्टर से, हम वेलफेयर स्टेट में हैं, अगर आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ से इस तरह की बात करेंगे कि वो खुद अपने सोर्स से जनरेट करें, तो आप कब जो हमारा एडुकेशन, जो सबसे पहला राइट है, जो हम इनकम टैक्स पे कर हम अपने एडुकेशन, ताकि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को हमारे बच्चे और डिफरेंट जनरेशन तक हम एडुकेशन पहुंच सके, इसलिए डिफरेंट टैक्सेस भरा करते हैं, आप कितना परसेंट GDP का और कितना परसेंट बजट का हिस्सा एडुकेशन पर रख रहे हैं। तो ये सारे सवाल हमारे गवर्नमेंट से हैं।
देखिए असल में मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तान के सभी छात्रों को, चाहे वो जिस भी कलर से आते हों, अपार्ट फ्रॉम राइट विंग, सभी छात्रों को एक वाइट कलर के अंदर आना होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ साजिश हुई है। ये साजिश जो हमें डिफरेंट कलर्स में बांटने की हुई है, अब हमें एक कलर में आना होगा और इस गवर्नमेंट को हमें दिखाना होगा कि सारे स्टूडेंट्स अब विपक्ष का रोल अदा करेंगे और जो अभी जो फासिस्ट ताकतें हमारी प्राइवेटाइजेशन की आग में झोंक रही हैं, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये है कि बहुत जल्दी एक नेशनल लेवल का सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से बात कर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर हम सारे स्टूडेंट्स से, सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस के जाकर उनसे कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। अदरवाइज होगा कि ये गवर्नमेंट इसी तरह की फालतू के जो ऑटोनॉमी के नाम देकर और प्राइवेटाइजेशन में झोंक कर हमारी शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है। देखिए प्लान ऑफ एक्शन ये है, सबसे पहले हमें सबको ये बात बतानी होगी कि हम चाहे किसी भी स्टूडेंट विंग से आते हों, लेकिन जब बात फासिस्ट ताकतों से लड़ने की आएगी, जब बात उन ताकतों से लड़ने की आएगी जो हमसे शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब एक होंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमसे छीनेगा। तो इसलिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम हर एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हर एक कॉलेज में इस मैसेज को लेके जाएंगे कि आपको और हमको मिलकर एक लड़ाई शुरू करनी है। वो लड़ाई शिक्षा के अधिकार के लिए होगी और उसमें हम कोशिश इस बात की करेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी से भी लोग आ रहे हैं वो अपने एक लार्जर एजेंडा के साथ आएँ, और ताकि हम एक कॉमन मिनिमम पॉइंट्स बना सकें, उन पॉइंट्स को हम अपने आंदोलन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी डिमांड से इनको पूरा किया जाए। देखिए सबसे पहला मैसेज मेरे यूथ से ये है कि आप यकीन इस बात का कीजिए, मैं ये यूथ से बोल रहा हूँ, कि आप इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं। इस हिंदुस्तान को अगर विश्वगुरु बनना है तो वो आपके हिसाब से बनना होगा। मैं दरख्वास्त करूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ैन मत बनिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के फ़ैन मत बनिए, क्योंकि आप ही वो ताकत हैं जो बड़ी से बड़ी ताकत का गिरमान पकड़कर ये बात बोल सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। देखिए राजनीति हमेशा से दो तरीके की होती थी, एक राजनीति चापलूसी की होती थी और एक राजनीति छात्र राजनीति हुआ करती थी। जो छात्र नेता जो बन के अपने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से लड़के जाते हैं, वो इस बात को अपने पॉलिटिकल सुप्रीमोस से भी कह सकते हैं कि देखिए ये गलत है ये सही है। तो मैं अपने सारे यूथ लीडर्स से, सारे अपने देश के यूथ से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें अब वक्त है एक प्लेटफॉर्म पे आने की, क्योंकि अगर शिक्षा ही न रही तो सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे और जो दबा कुचला समाज है, जो हमेशा से दबा कुचला है, वो हमेशा दबा कुचला रह जाएगा।